उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार के अंतरिम बजट की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि ये बजट देश के समावेशी विकास के साथ नए भारत का निर्माण करेगा और इस बजट में किसानों, महिलाओं और युवाओं के कल्याण के लिए प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही सीएम धामी ने कहा कि ये सर्वस्पर्शी बजट किसानों, महिलाओं, युवाओं और वंचितों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को मूर्त रूप देने में सहायक सिद्ध होगा। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक गतिशील और विकास उन्मुखी बजट पेश किया है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है वो भारत के नए भारत की तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं और ठीक प्रकार से देश का नियोजन हो रहा है, देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और 2047 तक जो भारत को विकसित भारत का जो संकल्प रखा गया है वह संकल्प की सिद्धि के लिए इस बजट में साफ दिखाई देता है कि बजट उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, ठीक प्रकार से उसका नियोजन हो रहा है, भारत विश्व में एक नई अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है। जहां आज भारत पांचवी अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे बड़ी है, वहीं अगले 3 सालों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है। यह बजट एक तरह से सर्वस्पर्शी है, सर्वग्राही है। इसमें युवा, महिला, गरीब, किसान हर वर्ग को छुआ है, हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ इस बजट में राहत देने का काम, उनके उन्नयन का काम, उत्थान का काम इसमें इस बजट में प्रस्तुत किया गया है, आगे के लिए प्रस्ताव किया गया है। साथ ही साथ अनेकों ऐसे काम जो सीधे सीधे समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए जो लोग हैं उनको आगे लाने का काम भी इस बजट में हुआ है।